अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बहुत तेज़ बारिश आ रही है, ठीक है। अभी मुर्गियों को दाना डालने लगे हैं, टाइम हो गया है शाम का। कबूतरों को भी डालना है, मुर्गियों को भी डालना है। अच्छा ये ना, हमने बाजरा लिया है, 2-2.5 किलो लिया है बाजरा। इसमें हमने डाला है ऑयल, जो आप सालन पकाते हैं घर में, एंड में जो थोड़ा सा घी बच जाता है, ऑयल बच जाता है, हमने वो जमा किया है, वो डाला है हमने इस बाजरे में। हम देंगे अभी अपनी मुर्गियों को भी देंगे, कबूतरों को भी देंगे, जिसमें हम चिप्स फ्राई करते हैं घर में, या मछली फ्राई करते हैं, या कोई सालन पकाते हैं, जो एंड में घी बचता है ना, ये वो वाला ऑयल है, घी है। ये अभी हम देने लगे हैं अपनी मुर्गियों को, और कबूतरों को भी यही दे रहे हैं। आज अभी देंगे आपके सामने, पहले भी काफ़ी दिन पहले दिया था, ख़त्म हो गया था, फिर बनाया है, फिर देंगे। ये देखिए अभी हमने काफ़ी सारा डाल लिया है इसके अंदर बाजरा। अभी हम पहले देंगे अपनी मुर्गियों को, फिर देंगे अपने कबूतरों को। ये देखिए, ये अभी हमने रख दिया बाजरा, ये देखें मुर्गी खा रही है आके, असली मुर्गी। ये पहले तो करते थे नखरे, पहले ये नखरे करके खाते थे, खाते नहीं थे, थोड़ा खाते थे, लेकिन जब से हमने इनको मतलब के सुबह डाला है, शाम टाइम डाला है, तो इनको बाकी सारा दिन बंद रखा है। अभी मैं वो ये देखें ऊपर सामान के ऊपर चूजे बैठे हैं, ये भी उतारता हूँ मैं, ये भी खाएंगे, तो अभी मैं इनको देता हूँ, ये खाएंगे, देखिएगा आप। ये भी थोड़ा सा खा के हट गई है पीछे, ये ऐसा लगता है इनको कड़वा, इसलिए नखरे करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता ये इनके लिए सही है। मैं अभी आपको ऊपर से चूजे उतारता हूँ फिर। ये अभी मैंने इनको नीचे उतार दी है, 2-3 वहाँ चले गए हैं, 2-3 ये हैं, ये अभी देखते हैं खाते हैं कि नहीं। ये मुर्गी देख तो रहे हैं ये इस तरफ, लेकिन पता नहीं अब खाते हैं कि नहीं, खाएंगे ज़रूर, भूख लगी है। अगर नहीं खाए तो दूसरे चूजे खोल देंगे, वो खाएंगे। ये शेर मुर्गी आ गई दोबारा खाने के लिए, अब इसको देख के सारे आएंगे। इसको ये डाइट पसंद है, ये खा रही है अब। अभी मैं खोल देता हूँ दूसरी मुर्गी है, ये तो नखरे कर रहे हैं, ये नहीं खा रहे। ये आ गए जी मुर्गा, इनको हमने किया सुबह से बंद, इनको खोला ही नहीं है आज, ये भी कल नखरे कर रहे थे। ये भी देखते हैं खाते हैं कि नहीं, ये भी इधर ही आ गए हैं देखें, ये पता नहीं क्या चाहते हैं, अब खाना ही नहीं चाहते। ये सील चूजा आ गया, ये देखें ये खाता है कि नहीं, इसका देखते हैं। ये तो खाना शुरू हो गया है, थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखिए ये तो खा रहा है, ये अगर खाएंगे तो ये सर्दी से बचे रहेंगे, क्योंकि ऑयल गर्म है। पीछे आके खड़े हो गए हैं मेरे, मैं इधर रखता हूँ, अगर यहाँ खाते हैं तो फिर देखते हैं, अगर नहीं खाते तो फिर इनको दोबारा बंद कर देते हम। और बारिश भी रुक चुकी है, देख दोस्तों मुर्गियों ने तो नहीं खाया, लेकिन कबूतर खोले हैं अभी खाएंगे, देखिए, क्योंकि इनको लगी है असली भूख। इन्होंने सुबह भी खाया था, इन्होंने अब भी खाया है, और इनमें से 1-2 जोड़ों के बच्चे भी निकले हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और इधर पानी भी अभी रखना है, वो भी मैं रखता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि पानी नहीं है, बारिश हुई है असल में, तो कोई भी नहीं था यहाँ, मैं अभी आया हूँ। मुर्गियाँ लग गई हैं अपनी मस्ती में, ये हो गए खेलना शुरू, और इनको लगी है प्यास, इनको मैं रखता हूँ पानी अभी थोड़ी देर में, ये बाजरा खा लें, इनको मैं रखता हूँ। ये देखिए किस तरह जुड़ गए हैं सारे,
पसंद इनको भी नहीं आता, लेकिन क्या करें, भूख लगी है, खाने के लिए एक ही चीज़ है, खानी तो पड़ेगी। मुर्गियाँ हर जगह मुंह मारती हैं, लेकिन इनका यही हिसाब नहीं है। इनको हम खोलते हैं टाइम के टाइम, क्योंकि मुर्गियाँ इनके अंडे तोड़ देती हैं, बच्चों को भी नुकसान पहुंचाती हैं, खा जाती हैं इनके अंडे, इसलिए हम इनको बंद ही रखते हैं। मतलब कि जब पास बैठे हो तब भी खोलते हैं, नहीं तो उसके अलावा नहीं खोलते। इसलिए ये देखें कितनी स्पीड से आए और खा रहे हैं, कुछ अपनी मस्ती में लग गए हैं, लेकिन इनको भी खाना खिलाते हैं, खा रहे हैं। ये जो ऑयल वगैरह हमने डाले हैं, इससे ये है कि सर्दियाँ जिस तरह आगे आ रही हैं, मछली तो हर किसी के घर में बनती है, तो जो मछली फ्राई करके जो ऑयल बचता है एंड में, आप वो दाने के साथ मिला के इनको दें। बाजरा हो गया, गंदम हो गई, उसमें रोटी डाल लें, रोटी के भोरे वो दें इनको, इससे कि वो सर्दी से बिल्कुल महफूज रहेंगे, सर्दी इनको लगेगी नहीं, गर्म रहेंगे। तो अभी ये पानी पीना है इन्होंने, मैं पानी रखता हूँ इनके पास, मैंने पानी रख दिया इनके पास डोल में। ये देखिए कैसे खा रही हैं, कैसे पानी पी रहे हैं। ये खुले बर्तन में इसलिए नहीं रखा, बारिश पहले हो रही है, इन्होंने नहाना शुरू हो जाना था, खाना नहीं खाना था, इसलिए डोल में रखा है ताकि पानी पी और जाएं। ये देखें ये बैठ गए बेंच के ऊपर, रखा हमने अपने बैठने के लिए था, ये बैठ गए हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें।